धरती पर तूफान रहेगा। ज्ञापन भी आ गया, ज्ञापन भी आ गया, धरती पर तूफान रहेगा। जय जवान, जय किसान। ये इस बात को किया प्रधानमंत्री ने भी चुनाव से पहले घोषणा की थी कि प्रत्येक किसान को 2000 रुपए की किस्त शुरू करी जाएगी, 6000 रुपए प्रत्येक वर्ष किसान को दिया जाएगा। उसमें पहले कुछ शर्त थी, अब जो है वो सारी शर्त हटा दी गई कि प्रत्येक किसान को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी भाई वो जियो क्या है, ना तो किसी अधिकारी को पता जियो क्या है। लाइन में लगवा दिए नकल लो, उसके बाद पटवारी के पास जाओ कि रूप पत्र अपनी हिस्सेदारी बता कितनी। जब कैटेगरी खत्म है प्रत्येक किसान को मिलना, तो नकल किस बात की ले रहे, कहेगा रूप पत्र ले रहे। रूप पत्र लेने जा रहा पटवारी धमका रहा 200 रुपये वहाँ ले ले, यहाँ नकल है, जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा वहाँ नंबर नहीं आ रहे, तो धक्के खा रहा किसान पे, कहेंगे 2000 रुपये देना चाह रहे हमें। बिजली पर बढ़ा दिया, खाद पर बढ़ा दिया, 10 चीज़ों पर बढ़ा लिया, 2000 रुपये दे रहे, गन्ने का भुगतान नहीं दे रहे। 1,00,000 रुपये किसान का ब्याज बैठ रहा गन्ने का। जैसे ये लाइन लग रही है, इसमें सरकार की गलती है या जो यहाँ नीचे? सरकार की कोई गलती नहीं है, ये तो नीचे के जो अधिकारी है इन्हें जानकारी नहीं, अपनी मनमर्जी करवा रखी और अपने हिसाब से यहाँ परेशान कर रहे किसानों को। इनका इलाज होगा, DM साहब आज लोटिया बने, कल DM का ही घेराव होगा, जिले पर सारी समस्या वहीं से हल करवा देंगे। मैं ब्लॉक अध्यक्ष देवबंद भारतीय किसान यूनियन चौधरी विनय कुमार। विनय कुमार जी, आज आपने प्रदर्शन किया किस संबंध में? इस संबंध में कराम तहसीलदार को कई बार अवगत करा चुके, एक चक रोड का बहुत बड़ा मैटर है, कई गाँव का किसान बहुत दुखी है और रेलवे ने सब घेर लिया, किसान कहाँ को चढ़ेगा उसके ऊपर बताओ? खेत में जाने के लिए मैं कई कई महीने से बेकार है, और जो अंडर पास बना रहे किसान वो बरसात में भर जाएगा, किसान की तो बुग्गी भी निकलने की, उसको सब पानी भर रहा है उसमें को, तो कैसे निकला? मेन समस्या 6-6 किलोमीटर में किसान अपनी जोटा बुग्गी बैल बुग्गी लेकर आ रहा है, बताओ कहाँ को आवेगा वो लेकर, सबसे मेन भयंकर समस्या। अरे एक जो उत्पीड़न हो रहा है सबसे ज़्यादा, बताओ किसान यहाँ सिर्फ 500 रुपये में आदमी नहीं मिल रहा, सुबह यहाँ होगा शाम तक यहाँ लाइन में लग रहा, बताओ भाई क्या यो कैसा है भाई यो, बताओ क्या आपके सामने है, और आप भी से उछालो, आपका बहुत धन्यवाद है। आप आपकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो, हम इससे भी ज्यादा तहसील में उग्र प्रदर्शन करेगी भारतीय किसान यूनियन, बहुत ज्यादा। आप हम इन्हें दे रहे बस एक ही हफ्ते का टाइम मुश्किल से, ये देखिए कौन सा तरीका भाई नकल लेने का। आप बताओ धूम में खड़े हो सके कोई, करो इन्हें एक हाथ देखो तहसीलदार को धूम में खड़ा है घंटे के लिए, देखो पता लग जाएगा किसान अपना काम छोड़ कर आ रहा यहाँ से, और यहाँ इसका बेवकूफ बना जा रहा, बताओ। अरे एक बार नकल ले ली छुट्टी, सब रिकॉर्ड है, इन पर नकल की जरूरत ही नहीं पड़ती, कहते हम पटवारी पर सब रिकॉर्ड है, कौन बताओ? सरकारी गलती मानने से कर्मचारी, इसमें मेन मकसद है इन प्रशासनिक अधिकारियों की गलती है, यो अगर सरकार को सही बताऊंगे भाई ऐसा भी काम चल सका, ऐसा भी चल जाएगा बिगड़ नकल के भी, यो कोई इतना बड़ी मैटर नहीं है, सब पर उसका किसान का सबका ऑनलाइन है, सब खाते हैं इन पर ऑनलाइन रिकॉर्ड है सबका। जो गांव चकबंदी में उन पर नकल मांग लेते हैं, कुछ गाँव चकबंदी में है, हमारा गाँव भी उसमें चकबंदी में, उनकी नकल मांग लेनी चाहिए ना, यो कोई तरीका है बताओ? खड़े हो आप भी थोड़ी देर, रखो एक घंटा इन्हें पकड़ के, और थोड़ी देर तहसीलदार को ले आओ ना, यहाँ खड़ा करो ना उसे ले जाकर, ले आओ उसे पकड़ कर ला रहे उसे, वहाँ होगा खड़ा, या कोई और इंतजाम करा होगा।